Hello students. Our today's topic is Mirabai. It is an important topic of general studies of Rajasthan in Rpsc exam. It is the part of history, art, culture, literature, and heritage of Rajasthan. So today we will study the Bhakti movement with special reference to Mirabai. So, let's start with the general introduction of Mirabai. If you are new to this channel, then subscribe the channel. And if you like this video, then share it in your peer group. So, let's start with the introduction. मीरा बाई के दो नाम थे एक नाम था पेमल और एक नाम था बाई मीरा बाई को ही हम राजस्थान की राधा कहते हैं तो इसको याद रखिएगा शी इज़ नोन एज राधा ऑफ राजस्थान इनका जो बर्थ ईयर था वो था 1498 में और इनका बर्थ हुआ था कुड़की में जो कि पाली में है लेकिन क्योंकि इनके बर्थ के बाद ही इनकी मदर की डेथ हो गई थी तो इनके फादर जिनका नाम था रतन सिंह वो उन्हें बाजोली नागौर में लिया है जो कि मेड़ता है नागौर के जो रूलर थे उस समय दो उनके ग्रैंडफादर थे उनका नाम था राव दूदा तो मीरा बाई की मदर का नाम था वीर कुमारी सो ये एक मीरा जी का एक जनरल इंट्रोडक्शन है जिसमें मैंने आपको बर्थ प्लेस बर्थ ईयर फादर मदर और ग्रैंडफादर के बारे में बताया अब जब मीराबाई जी धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी तो एक दिन उन्होंने एक शादी खोते हुए देखा और अपनी दादी जी से यानी ग्रैंड मदर से पूछा कि ग्रैंड मदर मेरे लिए भी आप दूल्हा लेकर आइए तो उनकी ग्रैंड मदर उन्हें जो है कृष्ण जी के टेम्पल में ले गई जो उसका नाम था चार भुजा टेम्पल जो अब मीरा बाई के नाम से जाना जाता है और उनको कृष्ण जी की स्टैचू दिखा के कहा कि यही आपके दूल्हे हैं उसी दिन से मीराबाई जी ने कृष्ण जी को अपना फ्रेंड अपना लव सब कुछ मान लिया था अब जब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी उन वो ग्रोन अप होने लगी तो उनके फादर जो थे रतन सिंह जी उन्होंने उनकी मैरिज जो है भोजराज जी के साथ करवाई भोजराज जी जो थे वो सन थे राणा सांगा के और राणा सांगा जो थे वो मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के रूलर थे उस समय ये बात फिफ्टीन सिक्सटीन की है फिर जब उनकी शादी हो गई थी उसके बाद जो एक खातोली का जो युद्ध था वो लड़ने गए थे राणा सांगा और राजा भोजराज सिंह अब उस युद्ध में जो है भोजराज जी के काफ़ी चोटें आई थी और अल्टीमेटली 1523 में उनकी डेथ हो गई बाद में राणा सांगा और रतन सिंह जी की भी डेथ हो गई जब उन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था उसके बाद जो है विक्रम सिंह जो है वहाँ के रूलर बन गए थे ये जो विक्रम सिंह जी थे ये मीराबाई को बहुत टॉर्चर करते थे और कई बार इनको पॉइजन देने की कोशिश भी की गई इसके बाद तुलसीदास जी के कहने पर मीराबाई जी जो है मेवाड़ छोड़कर वृंदावन चली गई और वृंदावन जाने के थोड़े दिन बाद फिर वो द्वारिका चली गई थी द्वारिका में रणछोड़ दास जी का जो टेम्पल था वहाँ पर वो पूजा और भक्ति करती थी अब जब वो वहाँ पर भक्ति करती थी और धीरे धीरे जब विक्रम सिंह की जगह जो नए राजा बने वो थे उदय सिंह जी तो उदय सिंह जी ने एक ब्राह्मणों की टोली यानी एक ग्रुप को भेजा मीराबाई जी को मेवाड़ वापस लाने के लिए तो वो सभी ब्राह्मण्स जो थे वो मीराबाई के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे साथ मेवाड़ चलिए तब मीराबाई जी ने कहा ठीक है पर मैं एक रात जो है इस मंदिर में रुकना चाहती हूँ और जिस रात वो उस रणछोड़ दास जी टेम्पल में रुकी उसी रात को कहते हैं कि मीराबाई जी जो कृष्ण जी की मूर्ति थी उसी में विलीन हो गई तो इस तरीके से ईयर 1546 में गुजरात में जो द्वारिका था वहां पर रनछोड़ दास जी का जो मंदिर था वहां पर मीराबाई जी जो है कृष्ण जी की मूर्ति में विलीन हो गई थी तो आपको ये याद रखना है कि उनका जो डेथ हुआ था वो गुजरात में हुआ था और उनका जो बर्थ प्लेस था वो था कुकी पाली और उनका जो ग्रोनअप यानी ब्रिंगिंग हुई थी वो बाजोली नागौर में हुई थी तो आपको याद रखना है आप कंफ्यूज हो सकते हैं वृंदावन और गुजरात में तो उनका जो डेथ था वो कहाँ हुआ था गुजरात में हुआ था नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट मीराबाई जी उनके जो टीचर थे गुरु थे वो दो थे एक थे चाइल्डहुड गुरु जिनका नाम था पंडित गजोधर जी जब मीराबाई जी की वेडिंग हुई थी और वो मेवाड़ आ गई थी तो उनके गुरु भी जो है वो चित्तौड़गढ़ आ गए थे पंडित गजोधर जी को राणा सांगा जी ने दो जागीर जो है वो गिफ्ट करी थी एक थी पुर और एक थी मांडल जो कि भीलवाड़ा में है इनके एक आध्यात्मिक गुरु भी थे जिनका नाम था रायदास जी रायदास जी इनके आध्यात्मिक गुरु थे और पंडित गजोधर जी इनके चाइल्डहुड गुरु थे और आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि तुलसीदास जी ने मीराबाई जी को रिकमेंड किया था कि आप चित्तौड़गढ़ छोड़कर जो है वृंदावन चले जाइए अब हम बात करते हैं उनकी पोएम्स की जो मीरा भाई की पोएम्स हैं उनको हम पदावलियों के नाम से जानते हैं एक बात आप याद रखिए इनका जो भाव था वो दाम्पत्य था क्यों क्योंकि इन्होंने कृष्ण जी को अपने हस्बैंड के रूप में माना था इसीलिए जो उनकी भक्ति थी वो कैसी थी उसमें कैसा भाव था दाम्पत्य भाव था और दूसरी बात ये है जो मीराबाई जी थी वो सगुण भक्ति वाली थी तो ये बात आपको बहुत ध्यान से रख याद करनी है सगुण देखिए दो भक्ति आ, के भाव होते हैं एक होता है सगुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति जो मीरा भाई जी थी वो सगुण भक्ति मूवमेंट के अंदर आती है तो आपको ये वर्ड याद रखना है सगुण भक्ति और उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ करी थी वो थी ब्रिज लैंग्वेज ब्रिज भाषा उनके चार इम्पॉर्टेंट जो है फेमस ग्रंथ है सत्य भामो रो रूसणों गीत गोविंद पटीका रुक्मणि मंगल नरसी मेहता री हुंडी ये चारों जो है मीराबाई जी ने लिखी थी अब हम बात करते हैं उन ग्रंथों की जो मीराबाई जी की जिंदगी पर या उनकी लाइफ पर किसी और ने लिखी थी उसमें पहला नाम जो आता है वो आता है रत्ना खाटी का इन्होंने नरसी बायरो मायरो ये ग्रंथ लिखा और प्रियदास जी ने भक्त माल लिखी जिसमें मीराबाई जी के बारे में बहुत सारी बातें जो है पता चलती है तो आपको ये दो नाम याद रखने हैं रत्ना भाटी और प्रियदास जी इन्होंने मीराबाई जी से रिलेटेड जो है ग्रंथ लिखे थे जो रत्ना खाटी ने लिखा था ग्रंथ वो था नरसी बायरो मायरो जिसमें मीराबाई जी की पूरी लाइफ के ऊपर उन्होंने इसको लिखा था वो भी ब्रज भाषा में यानी ब्रज लैंग्वेज में जबकि प्रियदास जी ने जो ग्रंथ लिखा था भक्तमाल उसमें कही न कहीं ना कहीं मीराबाई जी के बारे में हमें बहुत सी बातें जो है वो पता चलती हैं अब हम बात करते हैं मीरा बाई के नाम से और भी लोग जो है वो जाने जाते हैं तो आपको ये पता होगा कि वागड़ की जो गवरीबाई जी है उनको हम मीरा बाई के नाम से जानते हैं यानी वो वागड़ की मीरा बाई कहलाती हैं जो बनी ठनी है वो किशनगढ़ की मीरा कहलाती हैं और जो सहजोबाई है वो मतत् संघ की मीरा कहलाती है तो आपको ये तीन बात याद रखनी है आपको गवरीबाई वागड़ की मीरा बनी ठनी जो है किशनगढ़ की मीरा और सहजो बाई जो है वो मतत् संघ की मीरा कहलाती है और ये जो मीरा बाई जी हैं ये क्या थी ये थी राधा कहलाती हैं राजस्थान की और मैंने आपको बताया था कि इनका जो बचपन का नाम है वो है पेमल तो जो पेमल नाम है वो एक और स्त्री का भी है वो आपको याद रखना है उनका नाम वो तेजा जी की जो वाइफ थी उनका नाम भी क्या था पेमल था तो आपको ये बात भी याद रखनी है तो ये सभी बातें जो है मीरा बाई जी के बारे में है और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशेंट है तो आप सभी इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए और अगर आप इसके अलावा कोई और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए थैंक यू सो मच फॉर टुडे और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब मैं फर्दर वीडियोस बनाती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पे थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे